हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आवाज आ रही सबको? हाँ ना यश, नो कोई कुछ लिखना पसंद करेगा? कोई है कि मैं अकेले ही पढ़ाऊंगा क्लास में? खुद पढ़ा के खुद तो पढ़ने वाला हूं क्या? अरे हाँ ना, कुछ बोलो। अरुण? नो सर। बस तो अरुण है, तो अरुण है जिनको एसडीएम बनना है बस। बाकी लोग कोई तो होगा एसीएफ बनना हो किसी को, रेंजर, तहसीलदार, पटवारी ही बोल लो। एक ही टैलेंटेड। ओहो, बर्नाली आई। धन्य हो प्रभु आपका, आप पधारे, आपकी असीम कृपा हुई, आप आई क्लास में। और कोई है जो जुझारू छात्र एवं छात्रा हमारी जो मौजूद हो क्लास में? नमस्ते लिखने का कोई कष्ट करेगा? यार आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो यार अच्छे से। 2 दिन तक मैं क्लास नहीं लिया, ग्रुप में कोई कुछ बोला भी नहीं, मैंने ग्रुप में होमवर्क नहीं डाला, जान के नहीं डाला था कि कौन मांगेगा। मैं देखूं तो किसी ने होमवर्क तक नहीं मांगा ग्रुप में, ऐसे कैसे बनेगा? मजा नहीं आ रहा है क्या पढ़ने में? आज कोई मोटिवेशन नहीं होगा जब तक आप लोग ग्रुप में क्वेश्चन वोश्चन थोड़ा सा मांगोगे नहीं। मोटिवेशन बंद, खाली क्लास करेंगे अपन लोग। ग्रुप में कोई चहल पहल दिखती नहीं है। चलो बात बंद, काम चालू। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? योजनाएं जो होती है ना, जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, जैसे अभी कोई भी चुनाव आ गया, मान लो कोई भी चुनाव आ गया, तो उस चुनाव में कितने परसेंट लोग वोट दिए, किस किस तरीके के वोट लोग वोट दिए, ठीक है, वो सब डेटा निकाला जाता है और उसको फिर एक फॉर्म में कन्वर्ट किए। जैसे कि मैं जस्ट एक रफ फिगर या एक एग्जांपल बता रहा हूं आप लोग को। मान लेते हैं अभी चुनाव हुआ और उस चुनाव में जनसंख्या जितनी भी है उसके 70% लोगों ने वोट दिया, ठीक है। अब 70% लोगों ने वोट दिया, अब हर बंदा तो अलग अलग टाइप का है, ठीक है। कोई उसमें से 10-20 साल के होंगे, युवा पीढ़ी होगी, से लेके 60 साल 70 साल 80 साल तक के लोग होंगे, ठीक है। अब जब इस डेटा को अपने को स्टडी करना होगा, उसमें बहुत सारे एसटी होंगे, एससी होंगे, ओबीसी होंगे, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, थर्ड जेंडर है, तो सब तरीके के लोग हैं उसमें। अब इन डेटा को अपने को एक जगह ला के उन डेटा का स्टडी करना ही स्टैटिस्टिक्स होता है, ठीक है। कि उस डेटा को अलग अलग तरीके का, हर तरीके का डेटा है उस डेटा से अलग अलग। गुड इवनिंग आयुष। उस डेटा से अपन लोग अलग 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 चीजें निकाले, ठीक है। कि ये निकाल लिए कि मान लो जितना, जैसे अगर 1 लाख लोग है उसमें से 70,000 लोगों ने वोट दिया, 70,000 में अब हमको अलग अलग डेटा निकालना है। कि मान लेते हैं अगर हमको निकालना है 20 से 30 एज के लोग कितने हैं, ये निकालना है।
या फिर अपन निकालेंगे 20 से 40 की एज में और 40 से 80 की एज में कितने कितने लोग है, अब उसमें कितने मेल है कितने फीमेल है उनको सेग्रीगेट करो जेंडर वाइज, फिर उनको सेग्रीगेट कर देंगे अपन कास्ट वाइज, है ना, कैटेगरी वाइज। इस तरीके से अगर अपने को डेटा का एनालिसिस करना है तो वही होता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज अ डिसिप्लिन दैट कंसर्न्स द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ दैट डेटा। सांख्यिकी का अर्थ है डेटा का संग्रहण करना, उसका संगठन करना, फिर उसका विश्लेषण करना, व्याख्या करना और उसको प्रस्तुति करना। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों? तो स्टैटिस्टिक्स क्या पढ़ने वाले हैं आज अपन लोग, क्या है, कैसा है, समझ में आ गया? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स, व्हेन द डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम टू और मोर प्लेसेस। ठीक है, टू और मोर प्लेसेस कैसे भाई, हमने पूरे छत्तीसगढ़ में इलेक्शन कराया तो हर जगह पे, दुर्ग में अलग अलग जनसंख्या ने, अलग तरीके के लोगों ने दिया, कोरबा में अलग, बिलासपुर में अलग, है ना, और अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में सबने वोट डालने गए। ठीक है, तो हर बार ये पॉसिबल नहीं होगा, इट इज नॉट पॉसिबल टू डू द कंपेरेटिव स्टडी ऑफ देम ओनली थ्रू टेबुलेशन। अगर हम लोग सिर्फ उसको एक टेबल में फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, जब बहुत सारे आंकड़े हो और वो आंकड़े अलग अलग जगहों से आए हो, भिन्न भिन्न परिस्थितियों से आए हो, तो उनको एक जगह लाके सिर्फ टेबल में अगर अपन लोग डाल दें, तो टेबल में डाल के उसका जो स्टडी है ना, वो हम लोगों के लिए करना मुश्किल है अगर सिर्फ टेबल के थ्रू हम पढ़ा जाए। तो हमको इसी चीजों को डिफाइन करने के लिए, इन्हीं चीजों को समझने के लिए स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है, सांख्यिकी का जरूरत पड़ता है। इस सांख्यिकी में हम लोग बहुत सारी चीजें निकालते हैं, जिसमें जो सबसे मेन चीज है वो है माध्य, एवरेज। तो व्हेन अ नंबर और अमाउंट बेस्ट रिप्रेजेंट ऑल द फिगर ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, इट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल मीन। ये दोस्तों स्टैटिस्टिकल मीन 2 मार्क्स के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, जब कोई एक संख्या या राशि किसी समूह या श्रेणी विशेष के सभी आंकड़ों का सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रतिनिधित्व करती है, वह सांख्यिकी माध्य कहलाती है। समझ में आया कि मतलब अलग अलग, ये मैटर नहीं कर रहा है कि कितनी सारी संख्या है, ठीक है, कितना अमाउंट है और वो कितने अलग अलग ग्रुप या कैटेगरी से आ रहे हैं। जब उनको एक जगह ला के अपन लोग एक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, और उसका एवरेज निकालेंगे, वही स्टैटिस्टिकल मीन होता है, सांख्यिकी माध्य। ठीक है, तो देयर इज अ टेंडेंसी इन ऑल द फिगर ऑफ एनी ग्रुप विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन और अराउंड इन द मिडिल ऑफ इट्स ग्रुप। दिस ट्रेंड्स ऑफ द डेटा इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी। किसी भी समूह के सभी आंकड़ों को एक प्रवृत्ति होती है उनमें, समूह भाई कैसे प्रवृत्ति होगी, मान लेते हैं कि 10 बच्चे बैठे हुए हैं, तो 10 बच्चों में थोड़ा ना थोड़ा मतलब कुछ मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जिनकी एक जैसी आदत या एक जैसी परिस्थितियां होंगी, बाकी सबकी अलग अलग होगी या सबकी थोड़ी 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 सेम होगी बट मैक्सिमम चीजें अलग होगी। तो हम क्या करेंगे, उन सबको जोड़ेंगे और उनका एक मध्य निकाल देंगे, एवरेज निकाल देंगे, और या फिर उनकी एक जैसी प्रवृत्ति जो होगी, जो जो सब में कॉमन होगी वो निकाल लिया जाएगा, वही सेंट्रल टेंडेंसी या फिर केंद्रीय प्रवृत्ति कहलाता है। ठीक है, अब ये जो केंद्रीय प्रवृत्ति है, जो कि मतलब एक पूरा ग्रुप में जो मेन कॉमन चीज क्या है वो कैसे निकाले अपन लोग, वो निकालने के हम लोग तरीके पढ़ेंगे, यही एक पूरा स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, जब बहुत सारे डेटा दिए हो और उन बहुत सारे डेटाओं में जो कॉमन चीजें हमको निकालना हो, जिससे हम उस समूह के लोगों का स्टडी कर सके सही तरीके से, तो वही हमारा सेंट्रल टेंडेंसी होता है। और उस सेंट्रल टेंडेंसी को नापने के कई तरीके हैं, उन्हीं तरीकों को हमको स्टैटिस्टिक्स में पढ़ना है, सांख्यिकी में उन्हीं का उनकी ही पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो एम क्या है, मतलब उनको मतलब जो ये जो सेंट्रल टेंडेंसी जो है ये निकालने का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले, द मीन कैन बी एनालाइज बाय कलेक्शन ऑफ डेटा और कलेक्शन। जो मध्य द्वार है, माध्य द्वारा आंकड़ों के संग्रहण अथवा संग्राहकों का विश्लेषण किया जाता है। मतलब जितने भी डेटा है, जितने भी आंकड़े हैं हमारे,
उन सारे आंकड़ों को एक जगह लाया जाता है और उसका एनालिसिस किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है। दूसरा पॉइंट इसमें अपन लोग क्या करते हैं, समझ पा रहे हैं ना आप लोग? देखो अभी थोड़ा सा है जो थ्योरी वाला पोर्शन थोड़ा सा है, बाकी पूरी की पूरी 90% बाकी की क्लास सिर्फ और सिर्फ आप लोग क्वेश्चन क्वेश्चन और क्वेश्चन पे अपन लोग करेंगे। तो थ्योरी पढ़े मतलब उसका बेसिक पढ़े और उसके ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, इट कैन बी कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ टू और मोर फिगर, दो या दो से अधिक आंकड़ों का संग्रहण हो सकता है और उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है भाई। जब पूरे पूरे के पूरे राज्य का के लोगों लोग अलग अलग तरीके हैं, तो दो से ज्यादा तरीके के लोग हो गए, है ना, तो उनका अध्ययन आसानी से स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद थ्रू दिस अ लार्ज एंड अनइंटेलिजिबल कलेक्शन ऑफ डेटा बिकम सिंपल एंड कंसाइज, इसके द्वारा विशाल तथा अबोधगम्य आंकड़ों का सरल तरीके सरल तथा संक्षिप्त तरीके से उनका जो उनकी स्टडी की जा सकती है, समझ पा रहे हो। फिर वही एग्जांपल की भाई छत्तीसगढ़ में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग सब अलग अलग तरीके के लोग हैं, उनका डेटा कितना बड़ा डेटा होगा, अब उस सारे बड़े डेटा को इंडिविजुअल एक एक लोगों का एनालिसिस करना तो मुश्किल है, तो उसी के लिए ही ये हमारा स्टैटिस्टिक्स काम आता है, ठीक है। और इस By this, the central tendency of data can be revealed in numerical form. इसके द्वारा आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति को संख्यात्मक भाई at the end हम लोग समझेंगे कैसा, जब वो numerical form में आ जाए, कुछ इस form में आ जाए, जब हम उसको पढ़ सके, समझ सके, analyze कर सके, वही तो हमको चाहिए ना। जब एक बड़ा झुंड है, उस बड़े झुंड में बहुत सारा data दिया हुआ है, जब तक उसको किसी एक form में नहीं लाया जाएगा, तब तक वो हमारे किस काम का, ठीक है। बस फिर वैसा ही है दोस्तों, ठीक है। तो संख्यात्मक रूप में उसको प्रकट किया जा सकता है, ठीक है। चलो तो काइंड्स ऑफ एवरेज और मेजर ऑफ टेंडेंसी, अब चालू होता है दोस्तों हमारा किस किस तरीके से हम लोग केंद्र प्रवृत्ति को, ओवरऑल हमको पूरा का पूरा चैप्टर में एक ही चीज निकालना है, सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी केंद्रीय प्रवृत्ति यही निकालना है। इसी के बहुत सारे, इसी के इर्द गिर्द पूरा का पूरा चैप्टर आज और कल की दो दिन की क्लास इसी शब्द के इर्द गिर्द घूमती रहेगी, ठीक है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। तो इसको सेंट्रल टेंडेंसी को निकालने के लिए पांच मेथड है, समांतर माध्य, अरिथमेटिक मीन, माध्यिका मीडियन, बहुलक मोड, गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन और हरात्मक माध्य हार्मोनिक मीन। ये पांच नाम है आप लोगों के सामने, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य। आज अपन लोग यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बाकी का कल पढ़ेंगे, पहले समांतर माध्य के ऊपर ही पूरा क्लास करेंगे। तो अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य क्या होता है, पहले एक आप लोग समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन का एक अगर सिंपल सा बात, अगर अपन सिंपल से वर्ड में अगर अपन लोग देखें तो इसका मतलब होता है एवरेज, औसत। अरिथमेटिक मीन इज औसत, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि अगर क्लास में हर बार क्लास खत्म होने के बाद ना मेरे सामने अरिथमेटिक मीन आता है। अरिथमेटिक मीन कैसे आता है, मान लेते हैं किसी क्लास में, आज की क्लास में 30 लोग आए थे, ठीक है, लाइव। अब 30 लोग लाइव आए थे, कुछ लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी तो वो लोग पूरा एंड तक अटेंड किए, कुछ लोगों को लगा कि प्रिंस सर तो बहुत खराब पढ़ा रहे हैं तो कुछ वो लोग 10-10 मिनट में छोड़ के चले गए, ठीक है। कुछ लोगों को कुछ देर तक अच्छा लगा तो आधी घंटा तक टिके, ठीक है, बाकी लोग पूरा एंड तक टिके रहे। तो मेरे पास लास्ट में मीन वॉच टाइम आता है, तो मीन वॉच टाइम कैसे आएगा, 50 लोग आए, ठीक है, तो 50 लोग कितनी कितनी देर तक रुके, वो सारे समय को ऐड किया गया और डिवाइड बाय 50 कर दिए, तो एक बंदा एवरेज कितनी देर तक रुका, तो मान लेते हैं 45 मिनट तक, ठीक है। तो एक स्टूडेंट 45 मिनट तक रुका, ठीक है, कोई आधा घंटा रुका था, कोई 10 मिनट रुका था, कोई एक घंटा रुका था, जब उनको पूरा उसका एवरेज निकाले तो ये आया कि हर एक स्टूडेंट 45-45 मिनट तक रुका था, ठीक है। तो वो हो गया मेरा अरिथमेटिक मीन।
वही चीज यहाँ पे लिया दिखा बोल रहा है, अरिथमेटिक मीन इज अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द सम ऑफ ऑल इट्स वैल्यू एंड डिवाइडिंग बाय इट्स नंबर। वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि योग निकालकर उसकी संख्या को भाग देने पर प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़े, यह है उसका मेथड। भाई आगे बढ़े कि नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं? हाँ ना, यस नो, सो गया क्या सबके सब? समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, बकवास चल रहा है क्या है, कोई कुछ बोलना पसंद करेगा? अरुण, बर्नाली, आयुष, ठीक है, चलो राहुल को समझ में आ रहा है, चलो बर्नाली को भी आया। तो दोस्तों अभी अपन लोग समझ गए ना, एग्जांपल से समझ में आया ना क्या होता है अरिथमेटिक मीन। बस अब यहीं पे अपन लोग उसके फिगर्स लेंगे और अलग अलग तरीके के लेंगे। किस कभी कभी क्या होगा ना, जैसे अभी जैसे मैंने आप लोगों को मेरा क्लास का एग्जाम्पल दिया, ठीक है ना, अरुण को भी आया, चलो वेरी गुड, क्लास का एग्जाम्पल दिया। तो वहां पे आप लोगों का जोन जो है सबका एक ही तरीके का वेरिएबल है कि आप लोग आ रहे हैं और क्लास अटेंड कर रहे हैं अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, सिस्टम में आप लोग चालू करके देख रहे हैं, तो वो एक ही तरीके का वेरिएबल हो गया सबका। यही अगर अपन लोग इसमें ये निकालें कि मतलब क्या नाम से, कितने लोग मोबाइल में देख रहे हैं, कितने लोग लैपटॉप में देख रहे हैं, ठीक है, तो कितने लोग टीवी में यूट्यूब चला के देख रहे हैं, इस तरीके से अगर अपन लोग देखें इसको अलग अलग तरीके से, तो अलग अलग फॉर्म में डेटा हो जाएगा। तो बस यही देखना है। फिर कभी हम लोगों को ये बोलेगा कि 5 से 10 साल के बच्चे चलो देख रहे हैं, इतने बच्चे देख रहे हैं, फिर 10 सर ये तो गलत हो गया, आप लोगों के केस में 15 से 20 साल के बच्चे कितने देख रहे हैं, 20 से 25 साल के बच्चे कितने देख रहे हैं, 25 से 30 साल के बच्चे कितने देख रहे हैं, ये अलग अलग फॉर्म में अगर डेटा अगर दिया हुआ है, उस समय मीन निकालना बोले तो। आप लोग समझ रहे हो, अलग अलग कंडीशन हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि एक ही ग्रुप में बहुत अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं जिनका हमको एवरेज निकालना हो, एक ही पैरामीटर हो सकता है उसका निकालना हो, ठीक है, तो इस तरीके से आएगा। तो जब ऐसा होता है इसी के लिए, तो जब वेन डेटा इज अनक्लासिफाइड, जब जो हमारे आंकड़े होते हैं अवर्गीकृत होते हैं, एक सेकंड डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है, तो जब हमारा डेटा होता है, अरे यार चल, तो जब हमारा डेटा अनक्लासिफाइड होता है, तो ये मानते हैं अगर हमारे पास n वैल्यूज है, क्लास में मान लेते हैं n बच्चे हैं, नमस्ते प्रशांत, ठीक है, तो अगर n वैल्यूज है तो है ना, n वैल्यूज ऑफ वेरिएबल है, तो ये मान लेते हैं एक है हमारा x1, x2, x3 ऐसे करता हुआ हमारा जाएगा कहां तक, xn तक, है ना। यदि चर x के n मान है तो x1, x2, xn तक, तो इनका जो पैरेलल मीन होगा वो होगा सम ऑफ टर्म बाय नंबर ऑफ पोस्ट, तो इनका समांतर माध्य क्या होगा, पदों का योग भागित पदों की संख्या, तो उसको कैसे करेंगे, ये सब को ऐड कर देंगे, x1, x2, x3, xn by n, ठीक है, और यहाँ पे इसको अपन लोग ये जो पूरा है इस सम को अपन लोग x समेशन x से दिखाते हैं, इसको आप, इसको वैसे सबको पता होगा लेकिन इस वर्ड का ये जो साइन बना हुआ है, इस साइन का नाम है समेशन, ठीक है, ठीक है, और इसको बोलते हैं अपन लोग एक्स बार, तो एक्स बार से अपन लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार से हम इसको क्या बोलेंगे, दर्शाते हैं, ठीक है, एक्स मान से हमारा क्या 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 दर्शाया जाता है, समांतर माध्य को, इसको पैरेलल मीन को, सॉरी एग्जांपल के साथ, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 15 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स, इतना 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 ऐसा अलग अलग मार्क्स दिया हुआ है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन, ठीक है, तो किसी गणित के विषय में, गणित के विषय में 15 विद्यार्थियों का आंकड़ा दिया हुआ है, इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है, क्या करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं, सबको ऐड करेंगे, 89 प्लस 72 प्लस 63 प्लस 49 प्लस 30 प्लस 68 प्लस 26 प्लस 54
प्लस कोई ऐड करके देगा मुझे 66 प्लस 90, कौन देगा कौन देगा? प्रणाली ऐड करो सबको फटाफट बताओ, ऐड करके कितना हो रहा है? 90 प्लस 98 प्लस 73 प्लस 72 प्लस 89 प्लस 86, और इसको पूरा अपन लोग डिवाइड किससे कर देंगे? पूरा किससे डिवाइड होगा ये? किससे डिवाइड होगा बताओ? सबसे पहले बताओ इसका पूरा सम कितना होगा, और यहां पे नीचे क्या लिखा के आएगा? 1025/15। चलो हमेशा की तरह क्लास में टॉप मारते हुए, सबसे आगे बढ़ते हुए क्लास के सबसे होनहार छात्र अरुण कुमार। तो 1025/15 ये होता है आप लोगों का अरिथमेटिक मीन। ये बोलो किसको डाउट है इसमें, किसको डाउट है क्या कोई क्लास में जिसको इसमें डाउट हो, दिक्कत परेशानी तकलीफ कोई है क्या? ठीक है हाँ, चलो अरुण ने डिवाइड भी करके दे दिया। चलो भाई वेरी गुड, 68.3 इसका अरिथमेटिक मीन है। इसमें कोई डाउट तकलीफ दिक्कत परेशानी किसी को? वीडियो को लाइक करो भाई, जिसको भी मजा आ रहा है क्लास में वीडियो लाइक करो तो फटाक से, और जो भी नया है चैनल सब्सक्राइब कर दें। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना, एकदम इजी था। आगे बढ़े, अब आ जाते हैं फाइंड द मीन ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर ऑफ 20, 20 के सभी संभावित गुणनखंडों का मध्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले 20 के जो गुणनखंड है वो क्या क्या है? 20 के संभावित गुणनखंड क्या क्या है, फैक्टर्स कौन 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 बताएगा? 20 20 के फैक्टर क्या क्या है? 20 किससे किससे डिवाइड होगा दोस्तों बताओ? 20 को किससे किससे डिवाइड कर सकते हैं? एक से डिवाइड हो जाएगा क्या? हो जाएगा। दो से डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा। मतलब भागित किससे किससे कर सकते हैं वो देखना है हमको। फिर तीन से होगा क्या? नहीं होगा। चार से हो जाएगा? पांच से हो जाएगा। फिर 10, फिर सीधा 20। ये है तो इसका जब मीन निकालेंगे तो क्या करेंगे? 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय नीचे में क्या आएगा? कितना है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड कर दिए तो ये कितना हो गया टोटल हमारा? 42, 42 बाय 6 आंसर हो गया 7। कोई दिक्कत परेशानी इसमें? वेरी गुड आयुष, वेरी गुड अरुण, शाबाश ज्योति। बर्नाली 20 भी तो होगा ना? ठीक है चलो कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फाइंड द मीन ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर ऑफ 30 विच आर इवन। 30 के सभी संभावित गुणनखंडों को जो सम संख्या हो उनका माध्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले 30 का फैक्टर क्या क्या है? 30 के संभावित गुणनखंड कौन कौन से हैं बताओ? पहले मेरे को बताओ कौन कौन से संभावित गुणनखंड है, सबसे पहले तो वही बताओ। सबसे पहले कोई बताओ कौन कौन से 30 के, 30 किससे किससे भागित होता है बताओ? मेरे को अभी पहले सारे सारे फैक्टर चाहिए ना, सारे गुणखंड चाहिए। ठीक है बताओ किससे किससे डिवाइड होगा? वेरी गुड, एक से होगा, फिर तीन से होगा, फिर तीन के बाद चार से? नहीं। दो से होगा क्या? होगा ना भाई, क्यों नहीं होगा। ठीक है उसके बाद पांच से होगा, ठीक, 6 से भी हो जाएगा, फिर 10 से हो जाएगा, 15 से हो जाएगा और 30 से हो जाएगा। इसके अलावा और कोई है क्या? इसके अलावा और कोई है क्या जिससे 30 डिवाइड हो सकता है, 30 भागित हो सकता है? ऐसी और कोई संख्या है क्या? नहीं ना। ठीक है अब मेरे को एक चीज बताओ, ये बोल रहा है क्या बोल रहा है? विच आर द इवन जो कि सम है, सम संख्या हो, तो इसमें से सम संख्या क्या क्या है?
सम संख्या है हमारा एक है क्या? नहीं। तीन है? नहीं। दो है। फिर पांच नहीं है, छह है। फिर दस है, पंद्रह नहीं है, तीस है। ठीक है, तो अपना क्या हो गया, दो प्लस छ प्लस दस प्लस तीस। ये सही कर रहा हूं मैं? सही कर रहा हूं। ठीक है, और कितना है, एक दो तीन और चार। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा अपना, अड़तालीस। चलो यार शाबाश अरुण, अड़तालीस डिवाइड बाय चार, ये हो जाएगा अपना बारह। ज्योति 9.3 कैसे लेके आ गए आप? देखो अरुण कितना बढ़िया 12 लेके आए आंसर। आप 9.3 कैसे लाई भाई? हमको क्या बोला है, प्रश्न वापस से पढ़ो ज्योति, आप प्रश्न वापस से पढ़ो। प्रश्न ये बोल रहा है, आप हिंदी मीडियम के हो इंग्लिश मीडियम, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन दोनों में पढ़ेंगे। क्वेश्चन ये बोल रहा है, मीन ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर विच आर इवन, ठीक है, जो कि सम संख्या हो। क्या हो? सम संख्या। तो वो करना है हमको, इन सबका नहीं निकालना है दोस्त। कोई बात नहीं, माफ किए आयुष, आयुष का भी आ गया, गुड। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत इजी था। अब अपन लोग ऐसा चलते हैं, अभी तक अपन लोग क्या देख रहे थे, व्हेन डेटा इज अनक्लासिफाइड, जब आंकड़े अवर्गीकृत हो। ठीक है, अभी आप दूसरे तरीके का डेटा पढ़ रहे हैं, जब आंकड़े अवर्गीकृत हो, अनक्लासिफाइड हो लेकिन टेब्यूलेटेड हो। ठीक है, सारणीबद्ध हो, मतलब टेबल के फॉर्म में दिया हुआ हो। ठीक है, व्हेन द वेरिएबल्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आर गिवन, अर्थात जब चर तथा उनकी संगत आवृत्तियां बारंबारताएं दी गई हो। ठीक है, बारंबारताएं मतलब बार बार वो आ रहा हो, रिपीटेड फॉर्म में हो। ठीक है, मैंने पांच से डिवाइड कर दिया था, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी होमवर्क दूंगा आप लोगों को, तब उसको आप जम के बनाना। ठीक है, तो जब इसमें क्या बोल रहा है, यहां पे अपने को डेटा एक तो अनक्लासिफाइड है लेकिन टेबल के फॉर्म में दिया रहेगा। ठीक है, और रिपीटेशन होगी, कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आर गिवन, वेरिएबल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, उनकी संगत आवृत्तियां बारंबारताएं दी गई हो उस समय का। तो उस समय का कैसे करेंगे अपन लोग, ये मान लेते हैं कि वेरिएबल्स जो है, चर जो है हमारे x1 x2 x3 xn है। ठीक है, और उनकी संगत बारंबारताएं जो कि कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज है, वो क्या है, f1 f2 f3 fn तक। ठीक है, तो अब इसका जब अपन लोग अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो सब देखो यहां पे क्या दिया हुआ है। इससे पहले अपन लोग क्या कर रहे थे, जो वेरिएबल था वो अलग अलग फॉर्म में दिया हुआ था। जैसे यहाँ पे अपने को क्या मतलब, वेरिएबल एक ही जैसा था, कैसे जब अपन लोग 30 का जो अपन लोग मीन निकाले तो यहाँ पे सबका सब एक डेटा ही था जो कि सबका सब था। ठीक है, जैसे 20 वाले में देखो, 20 वाले में हमको कोई फैक्टर अलग चीज नहीं बोल रहा था कि सम निकालना है, विषम निकालना है, ऑड निकालना है, इवन निकालना है उनका। बट फिर जब यहाँ पे क्या चेंजेस आए थे, यहाँ पे थोड़े चेंज आ गए थे कि सिर्फ सम की बात करना था हमको, इवन की। लेकिन अब इनको टेबल फॉर्म में दिया रहेगा लेकिन वो अनक्लासिफाइड ही रहेगा, उन कंडीशंस का हमको निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज रहेगी और उसके करस्पॉन्डिंग का जो वेरिएबल रहेगा, मतलब जो बारंबारताएं होंगी और उसके करस्पॉन्डिंग के उसके साथ का जो चर होगा, उसको अपन लोग गुणा करेंगे और भागित कर देंगे किससे, जितने भी बारंबारताएं हैं उन सबके सम का, उन सबके जोड़ का। ठीक है, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होंगी उनके सम का, अरिथमेटिक सम का। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो टेबल से समझो। ये टेबल में आ गए अपन लोग, देखो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, तीन शासकीय, देखो अच्छा ये आप लोगों को बता दूं, मैं क्लास 10th की बुक से पढ़ा रहा हूँ भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन वही का उठा के दिया हूं। मतलब आप लोग समझ रहे हो, आप लोगों के एग्जाम में क्लास 10th के लेवल का मैथ पूछ रहा है, क्लास 10th के लेवल का गणित एकदम इजी होगा दोस्तों, बहुत इजी। ये पूरा मार्क्स खींचने वाला है सेक्शन, बिल्कुल मार्क्स खींचने वाला सेक्शन है पूरा। इसमें आप लोग थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन से और रेगुलर पढ़ दिए ना, ठीक है,
पूरा 50 50 में ना यार, 45 से ऊपर तो आप लोगों को दिला ही दूंगा मैं एट एनी कॉस्ट। थोड़ा सा बस ना पेशेंस और मन लगा के पढ़ना है यार। जितना मैं बताऊंगा सिर्फ उतना ही पढ़ना, बाहर कोई बुक बुक खोलने कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा मैंने आप लोगों को टेलीग्राम के चैनल पे ऑलरेडी बुक भी दे दिया है, ठीक है। वो ग्रुप बुक देख लेना, जो नया है क्लास में उनको बता दूं 999-323-0833 ये अपना व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। इस ग्रुप में आप अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख के मुझे भेज देना, मैं ऐड कर दूंगा। अपन लोग बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें डिस्कस करते हैं इस ग्रुप में, ठीक है। तो आ जाते हैं अपन लोग टेबुलर फॉर्म में। तो 3 शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 3 गवर्नमेंट गर्ल्स, ये थोड़ा सा हायर सेकेंडरी स्कूल हो जाएगा, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं का वर्ष 2007 में गणित में प्राप्तांक निम्नानुसार है। मतलब गवर्नमेंट स्कूल की बच्चियों का जो मार्क्स आया है मैथ्स में, उनका जो 2007 में है ना, वो कुछ इस तरीके से अपने को टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है, उसको अपन लोगों को निकालना है उसका अरिथमेटिक मीन। ये बोल रहा है प्राप्तांक 70, विद्यार्थियों की संख्या 3, प्राप्तांक 55, विद्यार्थियों की संख्या 5। मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिनका 70 मार्क्स आया, 70 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स का आया, 3 स्टूडेंट्स का। 55 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स का आया, 5 स्टूडेंट्स का। 60 मार्क्स कितने का आया, 4 स्टूडेंट का। 52 मार्क्स कितने स्टूडेंट का आया, 7 स्टूडेंट का। इस तरीके से ये सब दिया हुआ है। ये बोल रहा है कि इसका अरिथमेटिक मीन निकाला जाए, तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोगों को ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी क्या चीज है और वेरिएबल क्या है। फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल, चर इसमें से क्या है और बारंबारताएं क्या है, ठीक है, समझ में आया। तो इसमें जो चर है वो क्या है, जो प्राप्तांक है, ठीक है, वही है अपना चर, वही है हमारा वेरिएबल, ठीक है। जो चीज वेरी कर रही है वेरिएबल है वही है। तो ये एक्स एक्स अपना क्या है, 70, 55, 60, 52, 63, 75 और 68, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब वो फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स कितने है, जो एफ कितने स्टूडेंट्स का आ रहा है, तो ये है अपना F 3 5 4 7 6 2 3, ठीक है। तो अपने को निकालना है क्या, समीक्षा इसका फॉर्मूला क्या होगा अर्थमेटिक मीन का, अपना अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, ठीक है। तो समेशन एफ एफ एक्स, तो अपने को क्या करेंगे, एफ एक्स क्या होगा, एफ या फिर ऐसा देख लो एफ आई एक्स आई, ठीक है, एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। तो क्या होगा एफ आई एक्स आई, तो अगर 1 1 का अगर अपन देखें तो ये हो गया अपना 70 × 3 + 55। आयुष का आंसर आ चुका है 60.7, शाबाश। ज्योति ने सम निकाल के दे दिया, वेरी गुड ज्योति, ठीक है। जो नहीं निकाल पाया है कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं आप लोगों के लिए, 60 × 4, ठीक है, प्लस 52 × 7 प्लस 63 × 6 प्लस 75 × 2 प्लस 68 × 3। ज्योति का आंसर, आयुष का आंसर, अरुण का आंसर, सबका आ गया, शाबाश मेरे शेरो, वेरी गुड, गजब, जादू कर दिया आप लोगों ने, ठीक है। अभी जो नहीं कर पाया उनके लिए थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो ये अपन लोग निकालेंगे, ठीक है। अब डिवाइड अपन किससे करेंगे, डिवाइड अपन लोग करेंगे समेशन ऑफ एफ आई, तो 3 + 5 + 4 + 7 + 6 + 2 + 3, ठीक है। तो ज्योति जी ने हमको आंसर निकाल के दे दिया था, ऊपर ये हो गया था कितना, ज्योति ने निकाला था ना 1821, ये समेशन था ना ज्योति, ऊपर का, ठीक है, ऊपर का, ठीक है।
और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जो नीचे का है, 3 + 5 = 4, 7 + 6 + 2 + 3 ये हो गया कितना, 30, ठीक है 30। तो ये आंसर कितना हो गया अपना, आंसर आ गया 60.7, ठीक है। तो जिसका जिसका 60.7 आया है उसको दो दो मास्क मेरी तरफ से फ्री, ठीक है, एड्रेस बता देना, भेज देंगे, और वो मास्क किसी अच्छे और जरूरतमंद को गिफ्ट कर देना मेरे साइड से, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े आगे, बढ़े आगे। अच्छा, जैसे एग्जाम में अगर आप लोगों को ना ऐसा भी लिख सकते हो, और नहीं तो आप लोग इसको टेबल बना के भी दे सकते थे, टेबल बना के भी दे सकते थे, जैसे कि अपन लोग क्या करते, इसको ऐसा लिख देते, यहाँ पे मार्क्स लिख देते, है ना, एक टेबल बना देते अपन, मार्क्स ब्रैकेट में लिख देते एक्स, ठीक है, फिर उसके बाद अपन लोग लिख देते नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको लिख देते अपन लोग एफ, ठीक है, और गुणनफल जो निकाल देते अपन, समेशन जो निकलता एफ एक्स बोल। तो अभी अपन लोग यहाँ पे लिखते 70, फिर लिख देते अपन लोग 55, फिर हो जाता 60, उसके बाद हमारा क्या था, 60 के बाद क्या था, 52, 63, 75, और एक क्या बच गया, 68, और इसके करस्पॉन्डिंग जितने नंबर है उन सारे नंबर्स को 4, 6, 3, 5, 4, 7, 6, 2, 3, ऐसा एग्जाम में आप लोग चाहें तो टेबल बना के दे सकते हैं, और फिर इन सब का आप लोग यहाँ पे ये लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा 210, ठीक है 210, और ये हो जाएगा अपना 275, ऐसे करके ना एक पूरा टेबल एग्जाम में आप लोग बना के दे सकते हैं, अगर टेबुलर फॉर्म में मांगेगा तो, ठीक है। ऐसे करके इसका थोड़ा सा हैंडराइटिंग के लिए क्षमा प्रार्थी, ठीक है, ये अपना ऐड हो गया, ऐसा टेबल बना देना दोस्तों, ठीक है, ये ऐसा, ठीक, ये एग्जाम में जबरदस्ती नहीं बता रहा हूँ, ये एग्जाम में बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित बारंबारताओं, बारंबारता तालिका के मध्य 31.87 है, अज्ञात चर ए का मान ज्ञात कीजिए, इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल द मीन इज 31.87, मतलब अब अपने को ये वाला वैल्यू आ गया है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है अपने को, ठीक है, और ये सब वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ का सब वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और कोई तो भी एक वैल्यू गायब है, ये वैल्यू गायब है हमारी, ठीक है, तो ये वैल्यू निकालना है और हमको मीन दिया हुआ है, ठीक है, मीन निकालना है, कोई है क्या क्लास में जो ट्राई करेगा, चलो तो ट्राई करो आप लोग, एक मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, ट्राई करो, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, इधर से उधर पटकना है और कुछ नहीं करना है, ट्राई करो, ठीक है, एक मिनट का टाइम है। हाँ भाई, किसका किसका है आंसर, अरे इतना देर कैसे लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है क्या, समझ में नहीं आ रहा, डाउट है, दिक्कत है, परेशानी है, तकलीफ है, क्या है,
बताओ, मैं पानी लेके बोतल भर के, आप लोग अभी तक आंसर नहीं ला पाए क्या यार? अरुण आप तो बताओ, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाले हो, आपका भी नहीं आया आंसर? नहीं क्या यार? दुखी कर दिया आप लोग मेरे को, निराश कर दिए, निराश निराश, इतना आसान सा, एकदम निराश, कतई कतई निराश कर दिए। चलो नहीं बनाएगा कोई, अरे नाराजगी है क्या? कोई तो दो आंसर। फोर्टी पॉइंट, अरे थोड़ा एक्स्ट्रा ले आया अरुण भैया आप, ये 40.13 पॉइंट वाला का बाकी का कहां से आ गया? 40 है आंसर, 1.133 कहां से आ गया? निराश निराश, बहुत ही निराश कर दिए आप लोग, बहुत ही निराश। कोई बात नहीं, अब अपन निकालते हैं। चलो फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है? समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, ठीक है? तो करो 12 × 8 प्लस 20 × 16 प्लस, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक, अच्छा टाइपिंग मिस्टेक है तब तो माफ कर दिए, 27 × 48 प्लस 33 × 90 प्लस ए प्लस 2 × 30 प्लस 54 × 8 और पूरा डिवाइड किससे होगा? 8, 16, 48 और 90 और 30 और 8 और इसकी वैल्यू ये किसके बराबर है? ये पूरा का पूरा है हमारा 31.87 के बराबर। बोलो कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? और इसको जब अपन लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 5174 प्लस 38, ठीक है? कुछ नहीं किया है, सिर्फ नॉर्मल मल्टीप्लाई किया हूं, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। जिसको डाउट आएगा कोरोना पेशेंट घर भेज दूंगा, बता रहा हूं, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम इजी कैलकुलेशन है, सिर्फ मल्टीप्लाई किया मैंने और डिवाइडेड बाय 200, ठीक है टोटल। अब इसको सबको इधर उधर भेजना है, क्या करना है? ये इधर चला जाएगा और ये इधर, तो ये इसको अपनों आगे कर दिए 31.87 × 200 इक्वल टू 5174 प्लस 30 है, 5174 प्लस 38, ठीक है? तो 30A इक्वल टू, इसको इसमें मल्टीप्लाई करके इधर माइनस करना है अपने को, तो ये कितना हो गया हमारा 5174 माइनस, नहीं सॉरी 31.87, ठीक है? तो ये ट्वाइस हो जाएगा, तो हो जाएगा अपना 6374 माइनस 5174, ठीक है? ठीक है, तो a इक्वल टू हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1200 बचेगा बाय 30, तो हो गया 40। बोलो दिक्कत परेशानी तकलीफ दुविधा किसी भी तरीके का कोई कष्ट? बर्नाली ने लिया 40 आंसर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बर्नाली, ठीक है? आगे बढ़े क्या दोस्तों? अरे बताओ यार, दुखी किए हो आज आप लोग, बहुत दुखी किए मेरे को, इतना छोटा सा चीज नहीं बता पाए, मतलब मैं काफी दुखी हो गया आप लोगों से आज।
बताओ इतना समझ में आया तो आगे बढ़ूं। चलो अरुण, अरुण की हामी आ चुकी है, अरुण भैया की हामी आ चुकी है और उनकी अनुमति के बाद ही हम आगे बढ़ा रहे हैं क्लास को। एक आध रुक जाओ, इससे पहले एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन और फिर वापस से रिवर्ट आ जाएंगे अपन लोग, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। हाँ एक क्वेश्चन है, दस विद्यार्थियों का अंग्रेजी के अंक दिए हुए हैं, 10 स्टूडेंट्स का जो इंग्लिश में आया हुआ मार्क्स दिया हुआ है, कितने स्टूडेंट का, 10 स्टूडेंट्स का, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है, कितना कितना दिया हुआ है, 21, 27, एकदम एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन दे रहा हूं, एकदम बच्चों वाला, एकदम हलवा, ठीक है, लेकिन ये हलवा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, हमको सिर्फ वो हलवा उठाने उठा के घप से खाना है। बारह, 68, 55, 47, ये है 45 और ये हो गया 50। इसका हमको अरिथमेटिक मीन निकालना है, समांतर माध्य निकालना है, क्या करेंगे, ये कुछ नहीं है ना, ये कुछ नहीं, इसको पहला 21, 27, 32, 33, 12, 68, 55, 47, 45 और 50, इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सबको समझ में आया, 39 आंसर, अरे यार मतलब गजब, वेरी गुड। अब एक और क्वेश्चन देख लें, एक और बस एक और, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन और। अपन लोग ये मानते हैं किसी भी कारखाने में जो काम करने वाले मजदूर है, किसी भी फैक्ट्री में जो काम करने वाले वर्कर हैं, ठीक है, तो उनको जो पगार मिलती है और उनके परिवारों की, उतने परिवारों की संख्या कितनी है, तो सबसे पहले मजदूरी रुपए में कि एक मजदूर को कितना पैसा मिलता है, ठीक है, तो वेजेस, मजदूरी, वेजेस अपन लोग लिख देते हैं, मजदूरी जो है 30, ये कितने परिवारों को मिलता है, कितने फैमिली को 30 मिलता है, 30 रुपए मिलता है, 25 फैमिली को, ठीक है, उसके बाद 50 कितने फैमिली को मिलता है, 30 फैमिली को, उसके बाद 80 कितनी फैमिली को मिलता है, 20 फैमिली को, उसके बाद 100 कितनी फैमिली को मिलता है, 6 फैमिली को, और 200 कितना फैमिली को मिलता है, 2 फैमिली को, इसका अरिथमेटिक मीन निकालो, दो को इसका अरिथमेटिक मीन निकाल के दो फटाक से। दो जल्दी, दो जल्दी जल्दी, कौन देगा इसका अरिथमेटिक मीन निकाल के, निकालो भाई, अरुण का आंसर आया 970, आयुष का 970 और कोई, और कोई है, जल्दी यार नया टॉपिक, छोटा सा एक और छोटा टॉपिक चालू करना है ना, जल्दी, जल्दी बताओ भाई, दो लोग का आंसर है, बस इतना देर से मैं पढ़ा रहा हूं और दो लोग आंसर सॉल्व कर पा रहे हैं, ऐसे कैसे बनेगा यार, दो लोग बस सॉल्व करोगे और कौन देगा, बर्नाली कहां गई तुम, ज्योति भी दिखाई नहीं दे रही, गायब हो गए क्या, बताओ जल्दी,
चलो बर्नाली भी ले आई तो तीन लोग तो आंसर ले आए। ठीक है चलो और कोई है क्या अच्छा सा क्वेश्चन? बाकी क्वेश्चन मैं ग्रुप में दूंगा होमवर्क। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक अपने जितने भी डेटा थे ना वो डायरेक्ट डेटा थे और अक्लासिफाइड डेटा थे, अवर्गीकृत थे। अब जब हमारे सामने जो डेटा आएंगे ना वो क्लासिफाइड रहेंगे, वर्गीकृत रहेंगे। वर्गीकृत रहेंगे मतलब एक रेंज दिया रहेगा कि इतने से इतने तक में ये है, इतने से इतने तक में ये है, 5 से 10 साल तक के बच्चे इतने हैं, ठीक है, 10 से 15 साल तक के बच्चे इतने हैं, 15 से 20 साल तक के बच्चे इतने हैं। ऐसा अपने को जब दिया जाएगा उसको वर्गीकृत या फिर क्लासिफाइड डेटा बोलते हैं। तो इसको सॉल्व करने का दो मेथड होता है। एक मेथड है हमारा डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष जिसको बोलते हैं, जिसको सिंपल मेथड या डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, सॉरी, और दूसरा होता है लघु विधि जिसको शॉर्टकट ट्रिक बोलते हैं। ठीक है एक सेकंड, ये हमारा चल क्यों नहीं रहा? हाँ अभी चलने लगा। ठीक है तो पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड, प्रत्यक्ष एवं लघु विधि, ठीक है, साधारण एवं कल्पित माध्य विधि। ठीक है दोस्तों, ज्योति का आया है 58.4 और बर्नाली का 970, अरुण का 970, आयुष का 970। इसको तो ग्रुप में ही आंसर बताऊंगा, इसका आंसर ना बता रहा मैं, सॉल्व करके ग्रुप में फोटो डालना इसकी। अलग अलग आंसर कैसे आ रहा है मैं भी तो देखूं सबका। डायरेक्ट डायरेक्ट डेटा डालना है और कुछ नहीं करना है, फिर भी सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। आंसर कैसन बनेगा बाबू, कौन सही बोल रहा है कौन गलत? ग्रुप में मेरे को इसकी फोटो चाहिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का फोटो चाहिए ग्रुप में मुझे, और ग्रुप में मुझे फोटो भेजेंगी ज्योति, बर्नाली, आयुष, अरुण, आप चारों से मुझे ग्रुप में इस क्वेश्चन का फोटो चाहिए। ठीक है चलेगा? ठीक है अब अपन इसमें आ जाते हैं। तो जो हमारा प्रत्यक्ष अथवा साधारण एवं डायरेक्ट मेथड जिसको बोलते हैं उसको पढ़ने जा रहे हैं। अप्रत्यक्ष अपन लोग कल पढ़ेंगे, नहीं तो आज हो नहीं पाएगा। ठीक है आज खाली डायरेक्ट मेथड अपन लोग पढ़ते हैं। तो इसमें फॉर्मूला सेम ही है, फॉर्मूला सेम ही है। प्रत्यक्ष विधि इस विधि के सूत्र समांतर माध्य, डायरेक्ट मेथड, इन दिस मेथड फॉर्मूला यूजेस द अरिथमेटिक मीन, इज वैसा ही है जो अपने को एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है एफ से। ठीक है तो हियर एक्स इज द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल, जो कि जो जो हम लोगों को वर्ग दिया रहेगा ना, वर्ग अंतराल दिया रहेगा, उसका वर्ग अंतराल का, उस जो चर के पद का, उसका माध्यान निकालना है अपने को, मध्य मान निकालना है, मिड वैल्यू निकालना है। ठीक है तो ये जो x रहेगा ना, x उसका मिड वैल्यू, जैसे कि अगर अपने को दिया है कि 5 से 10 साल, ठीक है, फिर 10 से 15 साल, ठीक 15 से 20 साल, ऐसे करके हमको एक टेबल दिया हुआ है। 5 से 10 साल के बच्चे दिए हुए हैं 5, 10 से 15 साल के बच्चे दिए हुए हैं 6, 15 से 20 साल के बच्चे दिए हुए हैं 8। ऐसा अगर अपने को कोई इंटरवल करके टेबल में बना के देगा ना दोस्तों, तो अपन लोग क्या करेंगे पता है? ये ऐसा अगर कोई टेबल बन के मिला तो इस टेबल को अपन लोग फर्दर डिवाइड करेंगे। तो कैसे डिवाइड होगा? 5 + 10 / 2 तो हो जाएगा 15/2, तो मतलब 7.5, 7.5, और ये हो जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग 5। फिर 10 + 15 हो गया 25/2, तो हो जाएगा कितना? 12.5, और ये हो जाएगा 6। फिर 15 + 20 हो गया 35/2, तो हो गया 17.5, ठीक है, और इसका 8। ये अब हो गया अपने पास x, और ये हो गया f, x और f का मल्टीप्लाई किए और f से डिवाइड कर दिए। ठीक है समझ में आया? तो ये आप लोगों को
आप लोगों के सामने वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दी हुई है, बता दिया हूं अभी कैसे करना है, इसका आंसर चाहिए मुझे, निकालो इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर निकालो। समझ में आ गया ना, x कैसे निकलेगा, f कैसे निकलेगा, f तो दिया हुआ है, x कैसे निकालना है, सारे x's निकालो और उसका वैल्यू डालो। चलो बताओ करो, साथ में सॉल्व करूं मैं भी, क्या आप लोग कर लोगे? चलो बताता हूं, बताता हूं मैं, फिर एक दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे ना अपन लोग। तो ये हमारे पास इंटरवल दिया हुआ है, अब इंटरवल को तो अपन लोग क्या डालें, जीरो डालें कि टेन डालें, इससे अच्छा अपन लोग इसका एवरेज डालेंगे। तो जीरो प्लस टेन डिवाइडेड बाय टू ये हो गया फाइव, टेन प्लस ट्वेंटी डिवाइडेड बाय टू ये हो गया फिफ्टीन, ट्वेंटी प्लस थर्टी डिवाइडेड बाय टू हो गया पच्चीस, ठीक है। वैसे यहाँ पे 35, 45 और 55, और जो बारंबारताएं हैं, फ्रीक्वेंसीज है, वो तो वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया 25, 35, 70, 55, 30 और 20। देखो कोई दिक्कत परेशानी इसमें, यहां तक समझने में कोई तकलीफ परेशानी? अब क्या करेंगे इसके बाद, किसका आंसर आ गया 1129.16। चलो देखते हैं, आयुष वापस से चेक करो ऐसे कैलकुलेशन, कोई बात नहीं, आपसे कहीं कुछ मिस्टेक हुआ होगा, चेक करते हैं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो x है हमारे पास, f है हमारे पास, अपने को क्या चाहिए, fx चाहिए, समेशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f। तो उससे पहले अपने को fx निकालना पड़ेगा, तो सारे fx निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 25 प्लस 15 इंटू 35 प्लस 25 इंटू 70 प्लस 35 इंटू 55 प्लस 45 इंटू 30 प्लस 55 इंटू 20 डिवाइडेड बाय, इसको भागित करेंगे 25, 35 और हो गया हमारा 70, 55, 30 और ये 20, ठीक है। आगे बढ़े, अरे क्या बात, ज्योति का आंसर आ गया 28.82, आयुष का भी आंसर आ गया, ये हुई ना यार आयुष बात, शाबाश, ठीक है। तो वो बस अब अपन लोग उसको ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा 6775, ठीक है, और डिवाइडेड बाय इसको, इसका सम ये हो जाएगा कितना 235, ये मैं पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ हूँ, ठीक है, इसलिए तो इसका आंसर हो जाएगा 83। बताओ कितना इजी तो था, सिर्फ आयुष और ज्योति से क्यों बना, अरनाली क्यों नहीं बना आपसे, अरुण क्यों इतना, हाँ चलो अरुण का भी आंसर आया, बट यार मेरे इतना इतना बनाने के बाद क्यों, पहले क्यों नहीं आया, बरनाली का तो अभी भी नहीं आया है, क्या हुआ बरनाली आपको, क्यों नहीं बन रहा बताओ, कहां तकलीफ है, कठिन है क्या, कठिन है ये बताओ, कठिन है नहीं ना, फिर हाँ कोई बात नहीं अरुण, 28.8283 चलेगा, ठीक है, एक डेसिमल के बाद का चलता है, आप लोगों को चलेगा उतना एग्जाम में, ठीक है।
और क्वेश्चन करें कि आज की क्लास यही फिनिश करें, नेक्स्ट टॉपिक चालू करूंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। और क्वेश्चन करना है क्या? नहीं? हाँ क्या कुछ बोलेगा कोई? और क्वेश्चन करना है कि होमवर्क दे दूं? एक क्वेश्चन मजेदार वाला तुम ढूंढता हूँ आपको, एकदम बेहतरीन वाला करेंगे। अच्छा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एकदम बेहतरीन वाला। एक कोई थोड़ा टफ देखते हैं। मजदूर वाला देख लिया अपनों। नहीं नहीं ज्योति आयुष ने एक क्वेश्चन बोला तो एक क्वेश्चन तो और करेंगे, ठीक है? एक क्वेश्चन करेंगे फिर मैं होमवर्क दूंगा और होमवर्क ग्रुप में भेजूंगा, ठीक है? ग्रुप में भेजेंगे। चलो अपन क्वेश्चन खुद से बनाते हैं। क्या बनाए अभी सबसे ज्यादा हिट लिस्ट में क्या चल रहा है? कोरोना, ठीक है? तो कोरोना के ऊपर ही कोई क्वेश्चन बना देते हैं। क्या क्वेश्चन बनाए? कोरोना से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है? कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया जा सकता है। हाँ अपन मास्क देखते हैं, ठीक है? मास्क के ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे। मान लेते हैं अपन लोग क्या क्वेश्चन बना है, कुछ अच्छा क्वेश्चन, कुछ बेहतरीन मजा आ जाए याद रखने वाला क्वेश्चन। कुछ आज की क्लास में मान लेते हैं अपन लोग कि 0 से 10 साल के बच्चे, ठीक है? 10 से 20 साल, पॉकेट मनी की बात करते हैं, ठीक है? पॉकेट मनी की बात करते हैं, ठीक है? तो 0 से 10 साल तक के बच्चे, अपन लोग छोटे थे तो पॉकेट मनी मिलता था ना, ठीक है? जैसे जैसे अपन लोग बड़े होते गए पॉकेट मनी बड़ी होती है अपनी, तो उसी के हिसाब से बात करते हैं। तो 0 से 10 साल के बच्चे, 10 से 20 साल तक में पॉकेट मनी, 20 से 30 साल तक में पॉकेट मनी, ठीक है? और फिर 30 से 40 साल तक में पॉकेट मनी। पहले अपने को पॉकेट मनी कितनी मिलती थी? 5 रुपए, ठीक है? 5 रुपए पॉकेट मनी मिलती थी। फिर भाई बड़े हो गए तो पापा को बोले, भाई पापा इतने में तो नहीं हो पाता है 5 रुपए में, ठीक है? उसके बाद फिर मोबाइल भी आ गया था, पापा रिचार्ज भी कराना रहता है, थोड़ा पॉकेट मनी बढ़ा दो, ठीक है? तो पापा बोले चलो बेटा बढ़ा देते हैं, सीधा 400% रेस के साथ 20 रुपए हो गया। फिर जब 21 साल के हुए तो पापा बाइक दिला दो, पापा पेट्रोल के लिए भी पैसा लगता है और गर्लफ्रेंड से भी बात करना रहता है, बॉयफ्रेंड से बात करना रहता है, घूमने जाना होता है, तो पापा पैसे ज्यादा लगेंगे। तो फिर पापा बोले चलो ठीक है, आपसे आप लोगों को 100 रुपए आप लोगों को पॉकेट मनी मिलेगी, ठीक है? उसके बाद फिर जब 31 साल हुए बोले पापा अब तो शादी हो गई, ठीक है? अब तो पॉकेट मनी और चाहिए, इतने में अकेले में गुजारा नहीं होता। तो पापा बोले चलो 5,000 कर देते हैं आपकी पॉकेट मनी को, ठीक है? तो 5,000 कर दिए। तो ये मत सोचते इतने बड़े होने के बाद भी पॉकेट मनी ले रहे हैं। हाँ हम लोग सब कामचोर हैं, हम लोग खुद काम नहीं करेंगे, हम लोग सब पॉकेट मनी लेंगे पापा से, ठीक है? तो हमारा पॉकेट मनी का मीन निकालो,
कौन है जो हमारी पॉकेट मनी का मीन निकाल के देगा? चलो बताओ, मेरा है, ठीक है, मेरा। किसी को ऑफेंड लग रहा हो तो मेरी पॉकेट मनी है जो मैं अपने पापा से लेता हूँ, ठीक है। चलो कौन निकालेगा इसका आंसर, निकालो। मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग भी सॉल्व करो, ठीक है। तो क्या होगा, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, ठीक है। तो क्या हो गया अपना, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 10 20 30 डिवाइडेड बाय 2 15 इंटू 20, फिर 30 20 हो गया 25 इंटू 100 प्लस 40 30 हो गया 70 डिवाइडेड बाय 2 हो गया 35 इंटू 5000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5000 प्लस 100 प्लस 20 प्लस 5, ठीक है। तो मेरे पॉकेट मनी, मेरी एवरेज पॉकेट मनी क्या होगी? तो मेरी एवरेज पॉकेट मनी होगी इधर 25, ठीक है, प्लस अरे मेरे पॉकेट मनी ज्योति निकाल लिया, आयुष भी निकाल लिए, अरुण 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 निकाल लिया, ज्योति निकाल ली, आयुष भी निकाल लिए, सही है। पॉकेट मनी का नाम लिया तो सटासट गिन दिए हैं, इसको ऐड करते हैं अपन, 300 प्लस 2500 प्लस 25 2825 प्लस 35 into 5000 177 into 5 इसको डिवाइड करेंगे 5125 से यार साबा से यार आप लोग तो ज्योति साहू 177 into 5 will be the sum and the sum of frequency will be 5125। और आंसर है 34.69। यार आप लोग पॉकेट मनी कितना शॉर्ट से गिन दिए यार, हैं? जहां गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम लिया मैंने, वाइफ का नाम डाला और पॉकेट मनी आया, रिचार्ज आया, बाइक आई, शॉर्ट से गिन दिए। और जैसे वो मार्क्स वाला बात कर रहा था तो सब गलत सलत लिखे जा रहे थे, हैं? बता, सोचने वाली बात, ठीक है भाई, वेरी गुड बर्नाली, सबने निकाल लिया। तो आज की क्लास अपन लोग यहीं पे फिनिश करें। कोई किसी को कुछ स्टोरी मोटिवेशन कुछ सुनने का मन है क्या? मेरा तो आज मन नहीं है बताने का, आप लोग होमवर्क पूछते नहीं हो, मांगते नहीं हो, तो क्या बताऊं, है क्या किसी का कुछ मन सुनने का? कलयुग है सर। तो आयुष हमको कलयुग बता रहे हैं या सतयुग तो है? सतयुग होता तो भी क्या ही कर लेते, स्टूडेंट तो स्टूडेंट ही होता है। कलयुग और सतयुग, स्टूडेंट तो स्टूडेंट ही होता है, खुद से होमवर्क थोड़ी ना मांगोगे। बता यार, दो दिन तक किसी ने कोई वो नहीं मांगा होमवर्क, ग्रुप में किसी ने चर्चा भी नहीं किया, बड़ी दुख की बात है। ऐसा क्यों किए आप लोग? अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो कि आप लोगों को समझ नहीं आता है क्या? मजा नहीं आ रहा है जो आप लोग ग्रुप में नहीं लिखते हो? मजा नहीं आता है क्या? देखो भाई, डेविड गेटा ऑल द वे फ्रॉम, डेविड गेटा कौन से कंट्री से है? देखना पड़ेगा, आई गेस यूएस से तो नहीं है, फ्रांस से है। कहां से है डेविड गेटा? डेविड गेटा ग्रुप में पधार चुके हैं, थोड़ा लेट आए, ठीक है, फ्रांस से है, फ्रेंच है। तो
डेविड बेटा फ्रांस से हमको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, हैप्पी टीचर्स डे बोलने हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसे ही क्लास में आते रहिए, ठीक है, लोगों का मन बना रहेगा।